Bandito María se salí. कहाँ जाना है? कहाँ झोला लेके? ओए कहाँ जाना है? कहाँ जा रही हो? जाओगे? इसको वहां रख के अंदर रख के तो यही एक्सीडेंट हुआ है तो डैमेज हुआ है। रशीद भाई अपॉइंटमेंट ले लिया प्यारे ईएनटी के पास। सो गाइस फिलहाल हम लोग आ गए हैं, अभी अपॉइंटमेंट भी मिल गया है, ईएनटी के पास जा रहे हैं और आज हमारे साथ आए हैं लड्डू जी जिद करके कराने के लिए। Rachid, sit here. Like this. Down. Down. You know that place? Which one? Down there. Okay, down there. It's a border, I think so. In the center of Karnataka. You studied here itself? I studied in Bavali. Yes. Doctor. Mommy, Doctor. Hospital. Choose my calendar. Mama. Yes, yes, yes. Hospital. Hospital.
बैठो बैठो प्राचित। And how much charge will take for the surgery? For that around better you file a case, no? You'll get concession also, everything will be there. But from where we'll get, because we don't know who that person is. And actually it was not with one person only. Aaja Chopraji. तो गाइज यहाँ मैं गई थी हॉस्पिटल, तो डॉक्टर से एक बार तो कैमरा में हम लोगों ने देख लिया क्लैरिटी, क्योंकि एक तरफ जो पर्दा था ना वो था प्रॉपरली था, और एक तरफ पार्शली क्या हाफ वो डैमेज हो चुका है और ब्लड क्लॉटिंग है। तो मेन इशू है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए, ब्लड नहीं आना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और इसी के साथ हमने सीटी स्कैन भी करा लिया था अपने तसल्ली के लिए कि नहीं करा ले डॉक्टर की राय से, क्या हम लोग करा लेते हैं, बिकॉज नहीं पता कब क्या कौन सा पेन उखड़ के आ जाए, तो इसीलिए सीटी स्कैन करा लिए। मम्मी भी बोल रही थी कि नहीं सीटी स्कैन कराओ सीटी स्कैन, तो हेड में बाय गॉड ग्रेस फॉर्चुनेटली कुछ नहीं निकला, लेकिन ईयर में उनको ये क्लॉटिंग है, जिस वजह से डॉक्टर बोले कि इनका ठीक होने का चांस 2-3% ही है। 15 days हम वेट करेंगे और 15 days के बाद हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर 15 days अगर आपको वेट करना है कि मतलब वो क्लॉटिंग ठीक हो जाएगा या फिर नेचुरली वो रिकवर हो जाए, तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई दैट इट विल नॉट क्योर। तो 2-3% चांस है कि ठीक हो सकता है, तो हम लोग आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे वेट करना, बिकॉज 15 दिन बाद फिर हमें वो चीज़ करना ही है। तो डॉक्टर ने शायद 15 दिन इसलिए बोला है कि हम लोग अपना आराम से टेक मतलब टाइम अपना लेके, और जो भी है फाइनेंशियली भी इंसान को सोचना पड़ता है, इमोशनली भी प्रिपेयर करना पड़ता है अपनी बॉडी को, फिजिकली भी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप देख लो, आपको मतलब जब कंफर्टेबल हो आप करा सकते हो। उसके बाद से हम लोगों को राय मिल चुकी है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये क्लैरिटी हो चुकी है। तो अब आप जब कराना चाहो तो करा लो। हम लोगों ने रिपोर्ट और एक दो जगह भेज के भी देखा है होम टाउन में, तो वहाँ भी यही हो रहा है कि बहुत वो है, उसको जल्दी से जल्दी कराना पड़ेगा, बिकॉज क्लॉटिंग वो घाव बन जाएगा, वो ठीक नहीं होगा अपने आप से। तो इसीलिए अभी हम लोग देखते हैं, डॉक्टर ने बोला एक्चुअली फ़ाइल कर दो केस, बट अगर एक के अगेंस्ट होता तो इंसान फाइल कर सकता है, बट हम लोग ना देखते हैं ना जानते हैं कि कौन कहाँ का है, तो इसीलिए फाइल करने में थोड़ा सा वो है। लेकिन इन्होंने बोला कि आप नहीं जानते हो तब भी आप कर सकते हो, बिकॉज यू विल गेट द कॉम्पनसेशन। बट हम लोगों ने बोला कि नहीं, इन्हें भी जॉब करना है, और इन सब चीज़ों में क्या बार बार भागम दौड़ी होते रहेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं। एक सेकंड, छुटकी रो रही है मेरे वॉइस ओवर। तो इसलिए हम लोगों ने बोला कि केस का हम लोग देख लेंगे क्या करना है, बिकॉज अभी हम लोग एक दो राय भी लेंगे और उसके बाद से जो भी हम उसे अकॉर्डिंगली चलेंगे, बिकॉज ऐसे छोड़ देने से तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे लड्डू के पापा और मैं ये कैमरा ऑन की हूँ और ये डिस्कशन रिकॉर्ड की हूँ विद डॉक्टर परमिशन, तभी वो जो आप लोगों ने ईयर वाला देखा वो साफ साफ देखा, बिकॉज ये अगर हम लोग केस फाइल करते हैं तो भी हमारे पास वो प्रूफ है कि डॉक्टर के वर्ड्स या जो भी चीज़ें। तो यहाँ जूस ले लिया था, जूस लेने के बाद ये ऑफिस में अपने मैसेज कर रहे थे कि मेरे साथ है, ऐसा है 15 दिन या जो भी बात बोला है डॉक्टर का, सारी बात क्लियरली। मेडिसिन ले लिया मैंने लाइन में लग के, मैंने इनको बोला आप बैठ जाइए लड्डू मैं ले लेती हूँ। बोल रहे कि इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हो रही हो मेरे पे, अभी मैं स्कूटी चला के ले भी जाऊँगी, तो अभी ले के चलते हैं घर पर, चल के बताते हैं क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई और जो भी होता है आपको शेयर करते हैं। फ़ोटो वीडियो तो सब कैप्चर किया है वो शेयर करेंगे ही, बाकी चलते हैं। यहाँ कुछ वाइट वाइट हो गया, आप चलाएंगे क्या? कब?